ये कब्र की ज़िंदगी कब तक रहेगी जब तक क़यामत कायम ना हो जाए और उसके बाद दोबारा लोगों को उठाया ना जाए तब तक कब्र की ज़िंदगी रहेगी ये कब्र की ज़िंदगी या तो अच्छी हो सकती है या तो मुश्किल वाली हो सकती है अच्छा काम करेगा इंसान तो उसके लिए यह ज़िंदगी अच्छी होगी और अगर बुरा काम किया है तो उसके लिए कब्र की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और परेशानियों वाली होने वाली है प्यारे रसूल सल्ला वसल्म ने इसीलिए सहाबा को नसीहत की और साहबा के ज़रिए हम तमाम मुसलमानों को ये तंबीह किया है कि कब्र की ज़िंदगी की तैयारी करो कब्र की जिंदगी की फिक्र करो एक मरतबा ऐसा हुआ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कब्र के पास बैठे हैं जनाजे का इंतज़ार कर रहे हैं जनाजा अभी आया नहीं था आप वसल्लम कब्र की मिट्टी के पास बैठे हुए हैं और एक लकड़ी से ज़मीन की मिट्टी को कुरेद रहे हैं सहाबी रसूल हजरत बरा बिन आजिब रही कहते हैं कि मैंने देखा प्यारे रसूल सल्लाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं इतने आंसू निकले हता बल्ल सरा यहाँ तक कि जहाँ आप बैठे हैं आपके आंसूओं की वजह से वहाँ की मिट्टी भीग गई तर हो गई और इसी दौरान प्यारे रसूल सल्लाम ने बड़ी महब्बत से सहाबा से कहा या इखवानी लिमिस लिहादा फाइदू अय मेरे भाइयो अय मेरे साथियो मेरे सहाबा इस जगह के लिए तैयारी करो लिमिस लिहादा फाइद इस जगह के लिए तैयारी करो यहाँ आना है मर करके यहाँ पर तुम्हें दफना दिया जाएगा अभी जिस साथी को दफन करने का इंतजार कर रहे हो ऐसे ही हालात तुम्हारे साथ भी पेश आने वाले हैं इसलिए कब्र की जिंदगी की तैयारी करो हमें अपनी कब्र की जिंदगी की फिक्र करना चाहिए और अगर अभी हम जिंदा हैं और कब्रस्तान में जो लोग मौजूद हैं तो कब्रस्तान वालों से हमें इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए इसीलिए रसूल अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी कि कब्रों की जियारत करो फ़ैन नहा तुज की जाओगे मौत याद आएगी, कब्रस्तान जाओगे आखिरत याद आएगीब्रस्तान जाओगे तुम्हें जन्नत हासिल करने की फ़िक्र होगी ख़ब्रस्तान जाओगे अल्लाह की पकड़ का ख्याल पैदा होगा ख़ब्रस्तान जाओगे जहन्नम से बचने की फ़िक्र पैदा होगी कब्रस्तान जाओगे दुनिया की ज़िंदगी की हैसियत और हकीकत मालूम होगी खबरस्तान जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की कोशिश और फिक्र तुम्हारे अंदर पैदा होगी इसीलिए प्यारे रसूल वसल्लम ने नेब्रस्तान जाने की नसीहत की मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों हम और आपको अपने कब्र के हवाले से फिक्र करना चाहिए और इसी तरीके से जो लोग कब्रस्तान में मौजूद हैं उनकी जिंदगी से हमें सबक इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए और एक आखिरी बात कि जो लोग कब्रस्तान में मौजूद हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें कब्रस्तान में मौजूद लोग हमारी दुआओं का इंतजार कर रहे हैं जो दुनिया से चले गए उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर हम कोई पेश कर सकते हैं तो वो दुआ का तोहफा है कब्रस्तान वालों के लिए दुआ करें वालदेन के मकाम को इसलिए ऊंचा कर दिया जाता है क्योंकि दुनिया में उसकी औलाद जिंदा है और वो अपने वालदे के लिए दुआएं करती हैं हमें भी खबरस्तान में मौजूद लोगों के लिए दुआएं करना चाहिए कब्र की फिक्र करें खबरस्तान की जीारत करें जो लोग कब्रों में मौजूद हैं उनको अपनी दुआओं